प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, प्रेम प्रसंग के दौरान अगर लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और कोई भी शादी से इनकार कर दे तो ये बलात्कार नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, भले ही बाद में शादी से इनकार कर दिया गया हो। कोर्ट ने यह फैसला एक युवती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रेमिका से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया। इसमें युवती ने आरोप लगाया कि वह एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बाद में शादी से इनकार कर दिया। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल एक युवती ने संत कबीर नगर के महिला थाने में अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवती ने अपने बयान में कहा कि शारीरिक संबंध से पहले वो कई सालों तक प्रेम प्रसंग में थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 2008 में गोरखपुर में एक शादी के दौरान हुई। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई और प्यार हो गया। युवती के घर पर प्रेमी का आना जाना शुरू हो गया। फिर साल 2013 में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। इसके बाद प्रेमी पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया, जहां से लौटने के बाद उसने शादी से मना कर दिया। लड़की ने इसके बाद संत कबीर नगर महिला थाने में जियाउल्लाह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। इसी मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही। वहीं कोर्ट में आरोपी के वकील ने कहा कि प्रेम प्रसंग में आने से पहले पीड़िता बालिग, दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रिपीट दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी को राहत दी। आरोपी जियाउल्लाह के खिलाफ संत कबीर नगर जिले में मामला दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।